हेलो डियर सी एम इंटर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आकाश अग्रवाल क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड मैं आपकी श्रुति मैम आप लोगों के लिए ये ऑन द मोस्ट मतलब सबसे डिमांडिंग वीडियो था। ये मेरे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे सब जगह आप लोगों का एक सवाल था, स्किल ट्रेनिंग का क्या नाम। मेरा मैं इस वीडियो के अंदर आपने जितने भी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किए वो वाले क्वेश्चन, आपने यूट्यूब पे जो कमेंट बॉक्स में डाले वो वाले क्वेश्चन, व्हाट्सएप पे कुछ लोगों ने किए वो वाले क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंपाइल करके उनको एक समराइज फॉर्म में देने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा कुछ रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दूसरा, मैं कोशिश करूंगी वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखने के लिए बेटा, बट सारी चीज़ें बताने के लिए, क्योंकि स्किल ट्रेनिंग के बारे में आप लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो सारी चीज़ें बताते बताते थोड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियो उस कारण के वजह से थोड़ा लॉन्ग रह सकता है। बट मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखो, मैंने बहुत मेहनत करके, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने आपके लिए सारी चीज़ें लिख कर ली है इसके ऊपर कि कौन से बच्चे को कब एप्लीकेबल है, कितने आ जाएंगे। ऑफकोर्स ये चीज़ें लर्न तो मुझे भी नहीं है, तो मैंने आपके इंस्टीट्यूट की सारे चीज़ें पढ़ी लिख कर ली, आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। सो आई होप एक आप ये वीडियो शेयर करेंगे, क्योंकि सबके मन में ये डाउट है, सबको जानना है स्किल ट्रेनिंग के बारे में। और भगवान कसम मैंने उसमें आपके लिए इतनी मेहनत करके सारी समरी बना के रखी ताकि मैं कम से कम टाइम में आपको सब बता दूं। यूर एट स्टार्ट। पहली चीज है एप्लीकेबिलिटी, किसके लिए एप्लीकेबल है। एवरी स्टूडेंट हु हैज क्लियर्ड सीएमए फाउंडेशन एंड वॉन्ट्स टू गिव सीएमए इंटर, आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है। पहला एफएक्यू, मैम ये सीएमए इंटर एग्जाम के बाद में करना है क्या। नो, नॉट आफ्टर सीएमए इंटर एग्जाम। There are two types of training. मैं इस वीडियो में आपके लिए बात कर रही हूँ स्किल ट्रेनिंग का। एक और ट्रेनिंग होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप लोगों को करनी होती है एग्जाम के बाद। हम बात कर रहे हैं स्किल ट्रेनिंग की, वो आपको करनी है एग्जाम से पहले। आई होप ये कन्फ्यूजन सॉरी आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। दूसरा, CMA इंटर किस किस को एप्लीकेबल है, ये छोटा सा उसका चार्ट है। मैम मैं अभी ना जून में, कोई भी अटेम्प्ट आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, मैं एग्जाम्पल के लिए अभी का नियरेस्ट अटेम्प्ट ले रही हूँ जून। मैम हम जून में कोई भी एक ग्रुप देने वाले, ग्रुप वन और ग्रुप टू, तो आपको अभी इमीडिएटली करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट इमीडिएटली। मैम मैं इसी जून में बोथ ग्रुप साथ में देने वाली हूँ, इसी जून में आप बोथ द ग्रुप साथ में देने वाले हो, और आप दिसंबर में बोथ द ग्रुप साथ में देने वाले हो। तो बेटा आप जून में साथ में दो या दिसंबर में साथ में दो, बिफोर योर एग्जाम आपको अपना स्किल ट्रेनिंग खत्म करना है। अगर आप जून में देने वाले तो फटाफट से जाओ स्किल ट्रेनिंग खत्म करो। आप दिसंबर में जा रहे हो तो आपके पास दिसंबर तक का समय है, आप अपना स्किल ट्रेनिंग दिसंबर से पहले खत्म करो, बट बिफोर अपियरिंग फॉर बोथ द ग्रुप। मैम मेरा प्लान थोड़ा अलग है, मैं जून में एक दिसंबर में एक, तो बेटा जून में एक सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप दिसंबर में रिमेनिंग ग्रुप जब देंगे ना उससे पहले करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको इतना इंटेंशन इंस्टीट्यूट का क्लियर आया है, इंस्टीट्यूट का इंटेंशन ये है कि आप बोथ ग्रुप देने से पहले या आपका रिमेनिंग ग्रुप देने से पहले यानी इंटर पूरा एग्जाम देने से पहले आप क्या करेंगे, आपका स्किल ट्रेनिंग खत्म करेंगे। मैम इसका एलिजिबिलिटी क्या है आपको मैं दिखाती हूँ, उसका एलिजिबिलिटी आप लोगों के लिए मैं सब डाउनलोड करके रखा, आपको मैं भी बताऊंगी मैं कहाँ पर है। अगर आपने रजिस्टर किया है, दो मिनट स्क्रीन पे दिखेगा, अगर आपने रजिस्टर किया 11th of August 2020 के बाद, दिख रहा है ऑन और आफ्टर और आपने फुल फीस आपके जितने भी इंस्टीट्यूट की थी पे कर दिए, आप स्किल ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल है। अगर आपने सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर पे किया है, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी इंस्टॉलमेंट स्कीम देता है, तो एलिजिबल फॉर स्किल ट्रेनिंग आफ्टर पेमेंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट, मतलब आप इंस्टीट्यूट का पहले सारे इंस्टॉलमेंट्स रजिस्ट्रेशन के क्लियर करो फिर आप एलिजिबल हो जाओगे। स्किल ट्रेनिंग किसको एप्लीकेबल है, 11th of August के बाद जिसने रजिस्टर किया है वो। मैम मैंने पहले किया था, बेटा आपको स्किल ट्रेनिंग नहीं लगता है, आपके लिए एक अलग से कंप्यूटर ट्रेनिंग लगता है, तो ये वाला वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्या क्या होता है हमारे स्किल ट्रेनिंग में, आपकी स्किल ट्रेनिंग के अंदर चार अलग टाइप के ट्रेनिंग है। योर स्किल ट्रेनिंग इज डिवाइडेड इनटू फोर। एक है SAP फाइनेंस पार यूजर, आपको दिख रहा है कितने आवर्स का ये, 60 आवर्स का है, कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है,
आपके इंस्टीट्यूट से डाउनलोड की हुई चीज़ है। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपको 40 आवर्स का ट्रेनिंग है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल क्या होते हैं आपके, लीडरशिप स्किल्स बेटा, या आप मान लो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, एटिकेट्स, बिजनेस मैनर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। ई फाइलिंग, GST फाइलिंग, TDS, TCS, ये सारे टाइप के ई फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, ये आपको सिखाए जाते हैं 20 आवर्स में। तो आपकी टोटल ट्रेनिंग है 140 आवर्स की। सबके सर्टिफिकेट मिलते हैं क्या? यस, आफ्टर यू कंप्लीट द ट्रेनिंग, मैं आपको स्टेप्स लिख के देती हूँ, आपको इनके सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टेस्ट होता है, उसके बारे में भी समझाऊंगी, दो मिनट देना। कितने ट्रेनिंग है समराइज करने के लिए? चार ट्रेनिंग है, 60 आवर्स, 40 आवर्स, 20 आवर्स एंड 20 आवर्स। मैम क्या ये मैंडेटरी है हमारे लिए? क्या उसके बिना आप अपना इंटर एग्जाम नहीं दे सकते क्या? नहीं बेटा, दिस इज मैंडेटरी। कब करना है मैंने आपको वो बता दिया है, बट आपके लिए आपका स्किल ट्रेनिंग मैंडेटरी है, दोनों ग्रुप या आपका रिमेनिंग ग्रुप करने से पहले। मैम हम नहीं दिए, हम डायरेक्टली एग्जाम के लिए गए तो एग्जाम देने ही नहीं मिलेगी आपको, इंस्टीट्यूट ने इसको कंपलसरी किया है, इसके बिना आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। बहुत बच्चे ये भी पूछ रहे थे मैम नहीं किया तो, एग्जाम के बाद किया तो? बेटा इंस्टीट्यूट ही अलाउ नहीं करेगा ना एग्जाम देने के लिए, तो आपको ये आपके रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट के पहले क्लियर करना ही करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन होता है, कहीं पे ऑफलाइन जाके ट्रेनिंग अटेंड नहीं करनी है, दिस इज लाइव एंड रिकॉर्डेड। कुछ सेशंस लाइव भी होते हैं, कुछ रिकॉर्डेड भी होते हैं, मैंने जितना बच्चों से सुना है, क्योंकि मैंने तो ऑफकोर्स ये ट्रेनिंग अपने आप नहीं की, लेकिन बच्चों से सुना हुआ है। सो दिस इज अ लाइव ट्रेनिंग एंड रिकॉर्डेड, कुछ लेक्चर्स आपको इसमें रिकॉर्डेड भी रहते हैं। अगला स्टेप, आफ्टर कंप्लीटिंग, पूरी जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो ना, आपको देना पड़ता है एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। क्या देना पड़ता है बेटा आपको? एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट, ये MCQ टेस्ट होता है, इसके अंदर पासिंग होता है 50%। मैम हम इसमें भी फेल हो गए तो क्या? फिर से दो। फिर से फेल हो गए तो क्या? फिर से दो। कितने बार दे सकते? तीन बार दे सकते हो आप। अगर तीनों बार आप फेल हो जाते हो तो आपको फिर से पूरा 140 घंटे का ट्रेनिंग करना पड़ेगा, राइट? ये बात भी समझ में आई। असेसमेंट देना मैंडेटरी है क्या? हाँ, क्योंकि जब आप असेसमेंट देते हो उसके बाद ही आपको मिलता है सर्टिफिकेट, और जब तक सर्टिफिकेट नहीं आता है तब तक आप इंटर के बोथ ग्रुप या आपके रिमेनिंग ग्रुप के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। मैम सिर्फ ट्रेनिंग किया, टेस्ट नहीं दिया तो काउंटेड एज नथिंग, आपको इस स्टेज तक कंप्लीट करना है। ट्रेनिंग खत्म करो, टेस्ट दो, सर्टिफिकेट आपको ऑटोमेटिकली कहाँ से आएंगे? इंस्टीट्यूट से मेल पे आएंगे आपको सर्टिफिकेट। मैम अप्लाई कैसे करना है ट्रेनिंग के लिए? हाउ टू अप्लाई? मेरा इंस्टीट्यूट ना आपको ना मेल कर देता है, आपके क्रेडेंशियल्स भी मेल करता है, लॉगिन के क्रेडेंशियल्स मतलब आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड वगैरह इंस्टीट्यूट आपको मेल करेगा। मेल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? लॉगिन करना पड़ेगा और आपकी ट्रेनिंग। मैम मुझे मेल नहीं आया और मेरा जून में एग्ज़ाम है, आपको अगर बाय एनी चांस मेल नहीं आया तो आप क्या करेंगे? खुद से इंस्टीट्यूट को मेल करो एक दो बारे कि आपका एग्ज़ाम है, आपको स्किल ट्रेनिंग देनी है। मैम ये कैसे समझेगा कब टेस्ट है कब ट्रेनिंग है? यू हैव टू बी रियली वेरी अपडेटेड विथ योर मेल एंड द सेम मेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया हुआ है, उसी मेल आईडी पे आपको सारे कम्युनिकेशन आएंगे। मैम फीस का क्या? नो फीस नीडेड। इसकी फीस आपके रजिस्ट्रेशन के फीस में इंक्लूसिव रहता है, आपको अलग से इसके लिए कुछ भी पे करना पड़ता नहीं है। समझ में आई ये बात? ये थे आपके ट्रेनिंग रिलेटेड। मैं आपको एक और चार्ट दिखाती हूँ इंस्टीट्यूट का। ये देखो बेटा, ये उनके लिए हैं जो जून में अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप लोगों के लिए एलिजिबिलिटी मैंने आपको अभी समझाई कि आपकी इंस्टॉलमेंट क्लियर होनी चाहिए। स्किल ट्रेनिंग के लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको लेटेस्ट विद इन 31 मार्च मिलेंगे, 31 मार्च बोला हुआ है। उसके बाद अपनी स्किल ट्रेनिंग चालू करेंगे, ऑनलाइन लाइव स्किल ट्रेनिंग। समझ लो स्किल ट्रेनिंग कैसी रहेगी इसकी? दो मिनट स्क्रीन पे लोड होगा, एक दो सेकंड बाद आपको स्क्रीन पे दिखेगा, बट दिखेगा।
ऑनलाइन लाइव स्किल ट्रेनिंग सेशन जो 140 आवर्स के वो हैं मार्च अप्रैल में एज पर द नोटिफाइड स्केड्यूल कहाँ दिखेंगे, मैं आपको एक जगह दिखाती हूँ इंस्टीट्यूट में खजाना इधर स्किल ट्रेनिंग रिलेटेड। ये देखिए, आप गूगल पे डालेंगे इंस्टीट्यूट ICMI इंस्टीट्यूट स्किल ट्रेनिंग, तो ऐसा एक ट्रेनिंग का पोर्टल खुलेगा, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, जस्ट सेकेंड मेरा। अभी आपको दिखने के बाद आप जो पहली ब्लू लाइन है ना स्किल पे क्लिक करो, और जब इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपको राइट साइड में लेफ्ट साइड में सारी स्किल ट्रेनिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। आपको करिकुलम जानना है, स्केड्यूल जानना है, असेसमेंट कब होगा वो जानना है, तो आप इस पोर्टल पे चेक कर सकते हो। जिनका एग्जाम दिसंबर में बोथ ग्रुप है ना बेटा, अभी ये सब लफड़े में पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं लगता है। अभी अपनी जो भी ग्रुप की आप पढ़ाई कर रहे हो वो ग्रुप की पढ़ाई करो, एक ग्रुप की पढ़ाई कंप्लीट करो, लेटर ऑन करना। अगर आप एक ग्रुप के एग्जाम जून में दे रहे हो, अगला दिसंबर में दे रहे हो, तो भी अभी आप कुछ मत करो, जून के एग्जाम की प्रिपरेशन करो। आप ये सारी चीज़ों के लिए नेक्स्ट टर्म में अप्लाई करना, क्योंकि अभी अभी आपने फाउंडेशन क्लियर किया, मुझे लगता है अभी आपको इंटर की पढ़ाई करने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ऐसे अगर आप एक एक खोलेंगे तो आपको यहाँ पे सारे PDF दिखेंगे, टाइम स्लॉट दिखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का ट्रेनिंग, SAP का ट्रेनिंग है, जो भी है यहाँ पे सारे डिटेल्स दिखते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम जून में है तो ये सारी चीज़ें आपके लिए एप्लीकेबल है। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल। मैंने आपको सारे स्टेप्स समझा दिए, समराइज करूँ, आपकी पहली स्टेप आपकी एप्लीकेबिलिटी होती है CMA इंटर। अगर आप एग्जाम देने वाले हो, फाउंडेशन क्लियर हो, तो एप्लीकेबल है। स्किल ट्रेनिंग किसके लिए एप्लीकेबल है, 2020 11th अगस्त के बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको ये एप्लीकेबल है। कितने आवर्स की है, 140 आवर्स, इसमें SAP 60 आवर्स है, SAP 60 आवर्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 40 आवर्स, इसमें आपको एक्सेल सीखने मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने मिलता है, और पावर पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली एक्सेल बेटा 25, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 10, पावर पॉइंट 5 आवर्स की ट्रेनिंग है। फिर आपके सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग है 20 आवर्स की, और फिर आपकी ई फाइलिंग की ट्रेनिंग है 20 आवर्स की। ऐसे करके 140 आवर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट देंगे, 50% मार्क्स मिनिमम सिक्योर करेंगे, और उसके बाद आपके पास आ जाएंगे सर्टिफिकेट और आपकी स्किल ट्रेनिंग होते कंप्लीट। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर ये वीडियो हेल्पफुल था तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे भी समझेगा कि मैं जो मेहनत करूँ आप लोगों के लिए दैट इज़ यूजफुल टू ऑल। डू शेयर दिस वीडियो। मैंने डिटेल में आपको सारी चीज़ें स्किल ट्रेनिंग के बारे में बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की हुई है, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें खुद से पढ़ेंगे तो सब ओवर द हेड जाएगा, दिमाग में कुछ जाएगा नहीं। एंड फॉर मोर सच वीडियो स्टे अपडेटेड टू आर यूट्यूब चैनल आकाश अग्रवाल क्लासेस, टू आर इंस्टाग्राम हैंडल आकाश अग्रवाल क्लासेस का इंस्टाग्राम हैंडल है, मेरे पर्सनल हैंडल पे आप मैसेज कर सकते हो मुझे, आपको जो भी मन में डाउट है इंटर रिलेटेड, आई विल ट्राई टू ब्रिंग अप अ वीडियो फॉर दैट। एंड अगर आप अभी भी आपकी इंटर की कोचिंग ढूंढ रहे हो, अगर आपने लगा ली है कोई प्रॉब्लम नहीं, सेल्फ स्टडी कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप अभी भी कोचिंग ढूंढ रहे हो बेस्ट एक्सक्लूसिव, यू ऑल ऑलरेडी नो कि आकाश अग्रवाल क्लासेस इज वन ऑफ द एक्सक्लूसिव, ओनली एक्सक्लूसिव कोचिंग फॉर दैट मैटर फॉर CMA। हमारे लिए अगर कोई प्रायोरिटी है तो वो CMA के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए। आपने हमारे फाउंडेशन एंड इंटर के सक्सेस बैच एंड नोट्स देखे ही होंगे, तो आपको पता है कि हम कितना क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइजेस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डेड, फेस टू फेस ऑल मोड्स अवेलेबल है। इफ यू वॉन्ट टू यू मे लुक एट आर वेबसाइट, हमारे वेबसाइट पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे बेटा। स्टे ट्यून्ड टू आर यूट्यूब चैनल, आर इंस्टाग्राम चैनल एंड आर टेलीग्राम हैंडल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खजाना है वो तुम लोगों के लिए CMA स्टूडेंट्स के लिए। डू शेयर दिस वीडियो, लाइक द वीडियो अगर अच्छा लगा है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिली है तो डू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट देख के मुझे दिल से बहुत 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 अच्छा लगता है। सो वेटिंग फॉर ऑल दैट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स फ्रॉम माई साइड, मैम इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में डालो आपका हुक्म सराको पे, आई मेक वीडियोज ऑन ऑल दोज टॉपिक्स। स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल, बाय एवरीवन एंड कीप स्टार्टिंग, लव यू ऑल।